सो गुजरात आया, ढोकला नहीं खाया। Hi guys, so we are all set for Mumbai. And prepare the So we are all set for Mumbai and bus. अब हम नीचे उतरने वाले हैं और फिर हम जाने वाले हैं घर पे. So one joke, okay? So what am I wearing? Wait, I'll show it to you. Ignore the mess. हम बहुत गंदा room करके जा रहे हैं. So I'm wearing this green loose dress. ये dress H&M से थी. And this is very comfortable. And this is short. Okay? मैं शादी के बाद क्या मम्मी बोल सकती है. पहले मेरे घर वाले काट डालते हैं अगर उन्हें पता चलता मैं इतनी छोटी ड्रेस डालती हूँ. बट अब शादी हो गई भाई. Nobody can tell me anything. We have two big bags and some smaller poly bags and something like that. So, by Ahmedabad, बहुत अच्छा था ट्रिप. मैंने फ्रूट्स रख लिए हैं कट करके जो हम कल रात को तो मैंने फ्रूट्स रख लिए हैं अपने साथ जो कल रात को हमने खरीदे थे. कौन सी जगह थे? बजरंग फ्रूट वाला. बट अच्छा फ्रूट था उनका. हाँ. पर मौसम भी एक नहीं अच्छी निकली. बट वैसे अच्छा, अच्छा? नहीं मतलब अच्छी है. पर ओके पाइन एप्पल बहुत टेस्टी. पाइन एप्पल थैली में डालो क्योंकि उसका रस गिरेगा. उसको एक थैली में रखो. थैली में नहीं आएगा. अरे वो उससे नहीं गिरता. सीधी तो सीधी है. हाँ मेरे को क्या कोई बात नहीं. मैं हूँ. तो हमने पाइन एप्पल रस्ते के लिए रख लिया है. मैंने काट भी दिया और मौसम्बी रखी है. ऑरेंज है. यहाँ से हम क्या खरीदेंगे? इडीडा है ना. वो राइस नमकीन ढोकला रहता है बस. हाउस ऑफ खमन से. और कुछ नहीं हमें चाहिए वैसे रास्ते के लिए. बस दैट्स इट. मतलब हमें नहीं खाना. हम ना इतना खा सकते हैं. हमारी कैपेसिटी है ना हमें चाहिए. सो दैट्स इट. इट वाज गुड. कल का खाना बहुत टेस्टी था. हमने SBR सोशल से लिया था. आज ब्रेकफास्ट अच्छा था इनका. खाना अच्छा हो गया. नाश्ता अच्छा हो गया. बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग विच इज वेरी हैवी जस्ट बिकॉज ट्रैवल करना है. ओके सो नाउ वी कैच यू. हां सड़क पे बात करते हैं. चलो हां ठीक है बाय. क्या हो गया? मैं बात कर रही थी ना मेरे फॉलोअर से. इसको अनफॉलो करो इंस्टाग्राम पे. ये बात नहीं करने देता आप लोगों के साथ. ठीक है चलो चलते हैं बाय. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out so. इडीडा की पैकिंग कैसे रहती है आपकी? 240 एक किलो है. लास्ट ईयर भी हम अहमदाबाद आए थे आपके यहाँ से. हमने पैक कराया था. हाँ अभी इडीडा ही ले रहे हैं हम यहाँ पे. ये इडीडा आपको दिख रहा है. आधा किलो की पैकिंग दिखाएंगे आप कितना आता है आधा किलो में. एंड बस फिर निकलते हैं. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. So cross Baroda. और अभी हमने पहला ब्रेक लिया है. हम अप्रॉक्सीमेटली चल मतलब हो चुका है हमारा 150 किलोमीटर हो गया है. एंड
2 घंटे, 2.25 घंटे हो गए, बिकॉज अहमदाबाद से निकलते निकलते 1 घंटा लग गया, हमें पैक कराना था। और बाकी अब पहली ब्रेक ली है, फ्रूट ब्रेक क्या है हमारे पास, सो दिस इज पाइनएप्पल जो कल का बचा हुआ था, खुशबू ने बड़े अच्छे से काट दिया, उस पर नमक लाल मिर्च डाल दिया गया है, वो अभी हम 2 मिनट में खा लेंगे। नेक्स्ट ब्रेक हम सूरत में लेंगे, जो हम अपनी लंच ब्रेक लेंगे वो इडेडा जो हमने खाना है। एंड यस, यहाँ तक की सड़क बहुत अच्छी थी, अब आगे ट्रैफिक मिलने वाला है तो ठीक है। अब जो है ये वडोदरा तक तो बहुत स्पीड पे कवर हुआ, मतलब 100 किलोमीटर तो 100 पे चला मैं लगा, तो बिल्कुल और ब्रेक नहीं लगती तो अच्छा है। बस चलो ये खाते हैं पाइन एप्पल, इंजॉय कर लिया। It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive when I'm in this town, look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car, nothing can break. So, Gujarat aaye aur dhokla nahi khaya. So we are eating this two types of dhokla, namkeen hai, meetha dhokla humse khaya nahi jata. Main kha leta hoon. अब मैं दिल्ली से हूँ ना, दिल्ली में मिलता है मीठा ढोकला है। क्या ऐसा ढोकला होता है? जो नमकीन ढोकला होता है वहाँ पे उसे ढोकला नहीं इडली बोलते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ऐसे ढोकला मिलता ही नहीं है। वो भी अब हल्दीराम पे कुछ टाइम पहले ही देखना चालू करा है, पहले तो हल्दीराम पे भी नहीं था, नहीं तो मीठा ढोकला ही होता था। और बाकी अभी सूरत पहुँच गए हैं, अभी हमने वॉशरूम की एक पहली ब्रेक ली थी जब से चले हैं। पहले फ्रूट के लिए तो मैं गाड़ी में बैठे रहते, फ्रूट खाया था बस, अब हमने वॉशरूम के लिए पीछे मैकडी था वहाँ पे हमने करा अभी साइड। हाँ, और क्लीन भी था, ठीक था, मतलब कुछ ऐसे नहीं हुआ, दिक्कत नहीं हुई खाना, लेकिन हम गाड़ी में ही खा रहे हैं वहाँ, मतलब उतर के भी नहीं, हमने टांगे सीधी हो गई वॉशरूम के लिए उतरे तो। बाकी और हमने खाना बाहर से तो लेना नहीं है, ये सिर्फ हमने ढोकला आज के लिए लिया था, फ्रूट है काफी, बस ढोकले में मैनेज हो गया हमारा। हाँ यार पेट भर गया। हाँ सीरियसली सुनाओ, सी इट वॉज वेरी इजी, अगर आप थोड़ा सा मैनेज करके चलो, ऑर्गेनाइज करके चलो, यू कैन ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली और एनी प्लेस, यू कैन मैनेज योर रोड ट्रिप, इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू मैनेज एंड थिंक वाइजली कि क्या क्या आप कर सकते हो। ज्यादा मिर्च मसाले की चीजें रोड ट्रिप पे मत रखो, वो ज्यादा कन्वीनियंट भी रहता है। कुक्ड फूड बहुत ज्यादा भी मत रखो, कि आप सोचो कि नहीं मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर एक बीच का भी कोई स्नैक रख ले, वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम ये कर चुके हैं, थोड़ा हमारा ज्यादा हो गया था, वेस्ट कुछ नहीं गया लेकिन वो रात तक बच गया था, तो हमने रात को फिर खत्म करा, लेकिन कोशिश कर। और मैं, हम लोग हाईवे पे नहीं खाना चाहते हैं क्योंकि हर कोई रुका होता है। हाँ। हमें मास्क निकाल के कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में खाने से डर लगता है, इसलिए हमने सिर्फ टॉयलेट ब्रेक ली थी और बाकी हमने कुछ नहीं खाया हुआ। साइड की रोड पे आके छाएं देख के वहां रुके हुए हैं, मेन हाईवे से उतर गए, वो है ये इडिडा जो दिखाया था ब्लॉग में, थोड़ा सा डालो, बस यही खाया। और फ्रूट्स हमने अपने पास रखे हुए हैं तो फ्रूट्स काफी हैं, सो इट इज इजीली मैनेजेबल, देयर इज नथिंग टू बी वेरी टफ और नथिंग टू बी। फ्रूट्स रख लो, पाइनएप्पल बहुत इस बार टेस्टी मिला वहां से, मजा आ गया पाइनएप्पल और बस गाड़ी में आगे ब्लॉग इसलिए नहीं कर रहा था, अंधेरा इसलिए अंधेरा हो गया था। एंड जो वसई था ना, वो जो वसई का ब्रिज था, तो वहां पे काफी ज्यादा ट्रैफिक था, जस्ट बिकॉज आगे सिग्नल था, पुलिस वाले खड़े थे, बट फिर भी वो एक ब्रिज पे ही अकेला में आधा घंटा लग गया। एंड आगे ऑब्वियसली हम रश आवर के टाइम पे मुंबई एंटर करे थे, तो रश तो मिल नहीं था, तो एक शायद कोई टोल आता है, वो दही सर था कुछ, वो दही सर टोल था, वो अमाउंट तो छोटी थी एंटर करने की, मेरे को ध्यान नहीं है, 30 रुपीज थे, बट वहाँ पे थोड़ा सा उस टोल पे थोड़ा सा जाम था, उस पर खैर इतना भी नहीं था, 5-8 मिनट ऐसे कुछ लगे थे। और आगे एक और जगह सिग्नल पे या कुछ थोड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उधर थोड़ा सा जाम था, बाकी ये कि ट्रैफिक था लेकिन चल रहा था, मूविंग था, बिकॉज रश आर था तो इतना तो मिलना ही था, बट इतनी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इसलिए हमने व्लॉग नहीं करा। लेकिन
तो घर हम एग्जैक्टली 8:30 बजे पहुंच गए थे। महाराष्ट्र बॉर्डर हम एंटर करे थे कुछ 5:30-6 बजे, और उसके बाद हम अप्रॉक्सीमेटली 8:30 बजे, मतलब रश के बाद भी हम 8:30 बजे तक घर पहुंच गए थे। हमें पूरा अहमदाबाद से अप्रॉक्सीमेटली 9 आवर से कम ही लगा, 8.5 घंटे लगे। इधर का रूट इन ओवरऑल ये रूट अच्छा है। मुझे लगा था ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा, बट फ्रेंकली बताऊँ तो गुजरात में ज़्यादा फिर भी ट्रैफिक था। जैसे ही मैंने महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस किया, हमें थोड़ी सी सड़कें भी बेटर मिली महाराष्ट्र में, मेरा पर्सनल है, मुझे थोड़ी सी सड़कें भी बेटर मिली, एंड वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक भी मुझे कम मिला। मतलब रात हो गई थी जब फिर महाराष्ट्र का बॉर्डर एंटर करते ही, रात होने के बाद भी एक डिसेंट स्पीड, मतलब मैं 80-90 की स्पीड मेंटेन कर पा रहा था, बिकॉज रात को मैं इससे तेज नहीं चलता, तो इतनी स्पीड में आराम से मेंटेन कर पा रहा था और कोई भी जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो बड़ा आराम से है। बस वही वो फिर वो बॉम्बे ऑब्वियसली वसई ब्रिज पे जाम मिला, बाकी बहुत स्मूथ ही आए और ठीक था ये रूट। एंड यस दैट्स इट, तो हमारा एपिसोड 3, मतलब बेसिकली हम 3rd डे हम इधर मुंबई पहुंच गए, जस्ट बिकॉज हमने एक दिन का स्टे लिया था खुशबू के बर्थडे सेलिब्रेट। अगर वो व्लॉग नहीं देखा तो लिंक नीचे है, या फिर हमारे उसमें जाके भी आप देख सकते हो, एक पहले वाला व्लॉग, तो वो चेक करो। जब खुशबू का बर्थडे हमने करवा चौथ वाले दिन सेलिब्रेट करा। एंड यस दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको हमारी ये सीरीज अभी तक की अच्छी लगी हो। आगे अभी हम और भी ब्लॉग कर रहे हैं और भी ब्लॉग आएंगे आपको। ये मुंबई सीरीज है, दिल्ली मुंबई सीरीज हमारी अभी चलेगी। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बटन लाइक, एंड प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट है वहाँ पे, और रेगुलर इंस्टेंट अपडेट्स के लिए फॉलो इंस्टाग्राम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।